क्या आप इस बजट ट्रेड करना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा सेक्टर ऐसा है जो मूव करने वाला है एंड क्या आपको चीजें नहीं करनी है, किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताया। तो आखिर तक देखना, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो दोस्तों, बजट कब आता है? बजट जब सरकार बन जाती है तब आता है। जो पहला बजट आता है ना, उसमें काफी ज्यादा डिसीजन ली जाती है, बड़े बड़े डिसीजन को रखा जाता है उसमें, एंड उसी में बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं या फिर बहुत ज्यादा पैसे उसमें जाते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई भी सेक्टर है वो टॉप पे है अपने, और आप बजट आया और उसके लिए कुछ बैड न्यूज हो गया या फिर उसके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, तो वो गिर जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आप अगर सपोज करो 1000 पे आपने लिया है, ठीक है, 1000 पे आपने लिया है एंड बजट आया उसके बाद वो नीचे गिर गया, तो वो उसके लिए नुकसान दे हो गया। बट वहीं और भी बहुत सारे सेक्टर होंगे जिनके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो अगर 500 के भी हैं तो वो 1000 चले जाएंगे, मतलब कि वो रैली आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो ऐसे एक स्टॉक को आपको फाइंड आउट करना है एंड चेक करना है क्या आप उसमें अपना पोर्टफोलियो बना के रखे हो कि नहीं। आप अगर आपके पास ऐसा स्टॉक है जो आने वाले बजट में आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप जरूर एक बार कमेंट करके बताना कि आपके पास कौन कौन सा स्टॉक है एंड कौन कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ऐसे दो तीन सेक्टर में बताऊंगा आपको जिसमें आने वाले समय में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको फर्टिलाइजर के जो सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं मुझे यहां पे लगता है कि फर्टिलाइजर वाले सेक्टर में काफी अच्छा बूम एक देखने को मिल सकता है। तो यहां पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्क्रीन पे आप देखोगे तो यहां पे कुछ ऐसे यहां पे फर्टिलाइजर के स्टॉक हैं जिन्होंने यहां पे काफी अच्छा रिटर्न, इसको बोलते हैं मतलब वो 100 गुना नहीं, यहां पे सीधे कई हजार गुना, 2760% रिटर्न यहां पे 5 साल में देखने को मिला है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक यहां पे पड़े हुए हैं फर्टिलाइजर में जो कि काफी बूम कर रहे हैं। अगर एक साल का भी आप रिटर्न देखोगे तो यहां पे 118% एंड 67% 92% 96% 47% 111% यहाँ पे देखोगे आप, तो काफी अच्छे अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो एक साल का रिटर्न है वो काफी अच्छा रिटर्न देखने को ये दिया है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं तो पिछले साल ये मतलब पिछली बार जब बजट आया था तो उसमें भी काफी बूम इसने किया था एंड काफी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स यहाँ पे दिए थे। तो इनमें से आप टॉप कुछ 5 स्टॉक आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो एंड बजट वाले दिन इसको ऑब्जर्वेशन पे रख के देख सकते हो कि क्या मोमेंटम आ रहा है नहीं आ रहा है, किस तरीके से प्लान कर सकते हो, वो बजट वाले दिन हम लोग देखेंगे लाइव स्ट्रीम में। एंड सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछली बार भी बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए थे एंड इस बार भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर इसमें भी आप देखोगे तो 5 ईयर का रिटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखो 22,113 मतलब इतना ज्यादा रिटर्न 5 सालों में दिया है ये। ठीक है, तो आने वाले समय में ये और भी ज्यादा हो सकता है एंड अगर एक साल का रिटर्न हम लोग देखें तो यहाँ पे 460% 388% 387% 369% 329% 319% 263% 263 इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है इसमें काफी ज्यादा यहाँ पे आप देखोगे तो परसेंटेज मतलब रिटर्न का जो परसेंटेज बहुत ही हाई है। तो आने वाले समय में जो ये बजट आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर आपको रिजल्ट देखने को दे सकता है। तो आप इन दोनों सेक्टर को खास करके अपने वॉचलिस्ट में जरूर रखना देखने के लिए कि आप क्या इसमें कुछ मोमेंटम कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो एंड अगर इसमें आपको अच्छा मोमेंटम दिखता है तो काफी अच्छा मोमेंटम आने वाले इस 5 साल में और भी देखने को मिल सकता है। एंड थर्ड मैं आपको बताने वाला हूं डिफेंस सेक्टर में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी, कुछ ना कुछ वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, तो वो आप जरूर अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर लेना। आज ही पूरा जाओ आप फर्टिलाइजर के सारे स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे स्टॉक एंड डिफेंस के जितने भी स्टॉक हैं वो आप अपने वॉचलिस्ट में डाल के रखो, जिसमें कहीं ना कहीं एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं आपको, अगर सपोज करिए टैक्स बढ़ जाता है, तो टैक्स अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपको मतलब मैक्सिमम सेक्टर्स में आपको कहीं ना कहीं फॉल होते हुए नजर आएगा एंड एक अच्छी गिरावट को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गिरना है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो मार्केट जरूर थोड़ा सा नीचे जरूर आने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा कितना नीचे आएगा ये आप बताना कि आपको क्या लगता है। देखो ये वीडियो अगर आप बजट के बाद देख रहे हो तो आप मतलब फिर रहने दो, बट अगर बजट के पहले देख रहे हो तो आप जरूर एक बार कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि किस सेक्टर में कितना बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है या फिर किस किस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है कि इसमें बूम आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो बजट के पहले देख रहे हो तो जरूर आप बताना एंड अपना एनालिसिस जरूर शेयर करना। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे बजट वाले दिन टैक्स बढ़ता है तो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन जरूर करेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो पहले से टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑलरेडी टॉप पे चल रहे हैं। एंड एक चीज और खास ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है कि जब भी मार्केट मूव करने वाला आता है उसके पहले कहीं ना कहीं वो रैली करता है एंड थोड़ा सा पॉज लेके फिर वो रैली करता है, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। एंड बजट वाले दिन तो एक इवेंट है वहां पे, वो चीज तो वो जो होगा उस दिन, आप उस दिन जो भी ट्रेड करना जो भी इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपको पैसे रोटेट करना है, जैसे आप इन्वेस्टिंग करके पैसे रोटेट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा के करना, क्योंकि वहां पे अगर गिरावट में आप फंस गए तो वो काफी लंबे समय बाद वो उठने का प्रयास करेगा, 3 से 4 महीने तो लग ही जाना है। ठीक है, मैक्सिमम अगर अच्छा स्टॉक रहा तो हो सकता है कि 15 से 20 दिन के अंदर ही वो कवर कर ले, बट अगर थोड़ा बहुत डमाडोल रहेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको 3 से 6 महीने के बीच तक आपको लेके जाएगा। तो आप कोशिश करना, अगर आप पैसे रोटेट करते रहते हो, ठीक है, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं रोटेट करते हो, प्रॉफिट लेके निकलते रहते हो, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ जाने का प्रयास करना है। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मोड में मत रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बच के रहेंगे तो ज्यादा काम आएगा। ठीक है, एंड कोशिश करिएगा कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो एंड देन पुल बैक हो तो वहां पे एंट्री बने तो मजा आएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आई, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक दोस्तों बाय।